कोरोना वायरस से संबंधित मौतें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ओमान में 2 नए कोरोना वायरस मौतों की घोषणा की। अब तक वायरस के कारण ओमान में मौत का आंकड़ा 259 तक पहुंच गया है, मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया। उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की। कोविड-19 के नए मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को ओमान में 2,164 नए कोरोना वायरस मामलों के पंजीकरण की घोषणा की। MOH के अनुसार नए मामलों में 592 प्रवासी हैं और 1,572 ओमानी हैं। देश में कुल मामले अब 58,179 हैं, जिनमें से 37,257 स्वस्थ हैं और 259 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय ने सभी से सर्वोच्च समिति और MOH द्वारा जारी किए गए सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया, साथ ही साथ घर पर रहने और आवश्यक होने तक बाहर नहीं जाने का आग्रह किया। निजी क्षेत्र के लिए सहायता पैकेज की घोषणा। पब्लिक अथॉरिटी फॉर वाटर DIAM ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित निजी क्षेत्र में कंपनियों और संस्थानों के वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से सुविधाओं के 3 महीने के पैकेज की मंजूरी दी है। पैकेज में स्वास्थ्य देखभाल, निजी शिक्षा, यात्रा, पर्यटन, बैंकिंग और पत्रकारिता क्षेत्र शामिल होंगे। DIAM के एक बयान के अनुसार, पहला, महामारी से प्रभावित संस्थान को छोटे और मध्यम उद्यमों में होना चाहिए, जैसे कि वेतन और अन्य शर्तों को कम करना। दूसरा, संस्थान को स्वास्थ्य देखभाल, निजी शिक्षा, यात्रा, पर्यटन, बैंकिंग और पत्रकारिता क्षेत्रों में से होना चाहिए।